अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो फाइनली दोस्तों आज दोबारा से पहुंच गए हम लोग संडे मार्केट। तो संडे मार्केट लगी है लेकिन इतना ज़्यादा रश नहीं है अभी। देखते हैं अभी शाम तक, अभी तकरीबन 4 बज रहे हैं तो शाम तक देखते हैं कि कितना रश होता है, लोग आते नहीं आते। क्योंकि देखें फ्राइडे को भी लग रही है मार्केट और संडे को भी लग रही है। तो फ्राइडे को आया था मैं तो फ्राइडे को भी इतना रश नहीं था, लेकिन वीडियो तो काफ़ी बड़ी मैंने आप लोगों ने बनाई थी, अच्छी खासी गाड़ियाँ उसमें जो है ऐड करी थी। तो आज संडे है, देखते हैं आज हमें कौन कौन सी गाड़ियाँ मिलती हैं और क्या रेट चल रहे हैं। बाकी रेट में तो काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस आया, गाड़ियों के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। तो अभी कोशिश करेंगे, जानेंगे कि भाई छोटी गाड़ियों के कितने रेट बढ़े, क्योंकि XLi JLi की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो तकरीबन 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये का फ़र्क आ गया। 2009 का मॉडल हो, 10 का मॉडल हो या 12 का मॉडल हो, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है अभी मार्केट में। तो अभी शुरू करते हैं, मैं छोटी गाड़ियों से शुरू करते हैं फिर बड़ी गाड़ियों की तरफ बढ़े। जो है हम ऐड करने वाले हैं भाई मैरान 2019 का जो है ये मॉडल है। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, बिल्कुल चमकती है, क्योंकि देखें नया मॉडल है तो आपको बिल्कुल क्लियर गाड़ी मिल जाती है। तो अभी इसके रेट वगैरह भी मालूम करेंगे, पहले देख लेते हैं इसकी बॉडी वगैरह। तो इसमें नॉर्मली जो मैरान के व्हील कैप वगैरह आते हैं वो लगे हुए हैं, टायर जो है इसकी अच्छी कंडीशन में है, पूरी गाड़ी जो है वो अपनी प्रॉपर कंडीशन में, यानी कि लगी हुई नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, डेंट वगैरह नहीं है, बनी हुई नहीं है गाड़ी। बाकी है कि इनके ऑनर से भी हम बात करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा सा जो है वो आइडिया हो जाएगा। तो साइडें दोनों आप लोगों ने देख लिया, तो इंटीरियर की तरफ भी चल लेते हैं, इंटीरियर भी देख लेते हैं इसका। सो इंटीरियर भी भाई इसका बिल्कुल क्लियर है, माइलेज वगैरह भी देख लेते हैं हम लोग, नोट कर लेते हैं। तो माइलेज भी आप लोगों को दिख रहा होगा, बाकी डैशबोर्ड वगैरह क्लियर है, सीट्स वगैरह क्लियर है, नीचे से गाड़ी क्लियर है। बाकी बैक साइड भी देख लेते हैं एक तरफ, ठीक है। तो बैक साइड देखें, बैक साइड ज़्यादातर जो लोग देखते हैं वो सारी चीज़ें ये देखते हैं। देखिए 2019 का मॉडल है तो दरवाजे वगैरह सारी चीज़ें आपको क्लियर मिल जाती हैं, कब्जे वगैरह भी इसके बिल्कुल क्लियर हैं। तो बस अब चलते हैं भाई, भाई से मालूम करते हैं कि कितने में दे रहे हैं वो और क्या हिसाब किताब है भाई इसका। सो अभी हमारे साथ मौजूद हैं भाई शहजाद भाई। तो शहजाद भाई की जो ये गाड़ी है 2019 का मॉडल, शहजाद भाई आपने मुझे बताया, तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं आप? सर इसके मांग रहे हैं 935। ठीक है, 935,000 रुपये जो है वो भाई इसकी डिमांड कर रहे हैं। बाकी गाड़ी चली हुई कितना है अभी? है गाड़ी 29,000 किलोमीटर गाड़ी जो है वो चली हुई है। बाकी इंजन वगैरह में कोई काम वगैरह? सस्पेंशन गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है, अपने टायरों पे अभी तक अनयूज है पिछला टायर इसका। अच्छा, पिछला टायर जो अनयूज है, यानी कि इतनी ज़्यादा गाड़ी नहीं चली हुई, काफ़ी कम गाड़ी चली हुई है। इंजन में कोई काम नहीं है, सस्पेंशन में कोई काम नहीं है, बॉडी तो आप लोगों ने चारों तरफ से देख ही ली है। तो अपना नंबर भी शेयर कर दें शहजाद भाई। 0300 0300 26823 26823 25। तो ये शहजाद भाई का नंबर है, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा मालूम ले सकते हैं। बस अभी गाड़ी एक दफ़ा स्टार्ट करके देख लेते हैं, उसका रूम भी देख लेते हैं हम लोग। अभी हम लोग भाई इसको स्टार्ट करके भी देख लेते हैं थोड़ा, रूम भी देखना बिल्कुल क्लियर है, साइडें वगैरह इसकी बिल्कुल क्लियर हैं, ऊपर से देख लें ये साइड भी पूरी जो है वो अपनी सीटों पर। तो ये देख लें गाड़ी में बिल्कुल सोने गाड़ी, यानी कि खड़ी हुई कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो ऐड करें। अभी हम लोगों को कोरे मिल गई है, 2004 का जो है ये मॉडल बताया भाई ने मुझे। तो अभी देखेंगे गाड़ी कैसी है, किस कंडीशन में है, क्या पैसे वगैरह इसके मांग रहे हैं, इंजन वगैरह कैसा है गाड़ी का। तो साइडें वगैरह पहले भाई गाड़ी की देख लेते हैं, तो साइडों वगैरह से बिल्कुल क्लियर है, कोई डेंट वगैरह नहीं है, कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है गाड़ी पर। बाकी एक फ्रंट लुक भी हम लोग एक नज़र देख लेते हैं इसका, तो फ्रंट से भी गाड़ी जो है वो बिल्कुल क्लियर है। बाकी इंटीरियर वगैरह भी देखेंगे, अभी पहले पूरी साइडें वगैरह देख लें एक दफ़ा, फिर इंटीरियर की तरफ चलते हैं। तो ये दरवाज़ा भी इसका बिल्कुल क्लियर है, और इंटीरियर की बात करें तो भाई इंटीरियर भी आप लोगों को बिल्कुल क्लीन मिल जाता है इसका, डैशबोर्ड वगैरह जो है वो बिल्कुल क्लीन है, और ऑटो ट्रांसमिशन पे गाड़ी है, सीट्स वगैरह इसके बिल्कुल क्लियर हैं। बाकी चीज़ें जो है इनके ऑनर हैं, हम उनसे मालूम करेंगे, पहले बैक साइड भी एक नज़र देख लेते हैं। सो बैक साइड से भी गाड़ी जो है वो क्लियर है, दरवाज़ों की साइडें वगैरह भी क्लियर हैं, कोई रस्टी नहीं हो रही गाड़ी, और अंदर से बिल्कुल क्लियर है, डस्टी नहीं है, छत वगैरह इसकी साफ़ है, सीटें साफ़ हैं, और साइडें भी देख लें दरवाजे की, तो साइडें भी बिल्कुल साफ़ हैं। अब आ गए हैं भाई रूम की तरफ, तो एक नज़र रूम भी देख लेते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट है आप लोगों के सामने, और रूम भी देख लेते हैं हम लोग, तो रूम भी क्लियर है इसका, साइडों वगैरह देखें आप तो साइडों से भी गाड़ी क्लियर है। बाकी गाड़ी स्टार्ट है अभी आप लोगों के सामने, कोई आवाज़ वगैरह ऐसी लग नहीं रही इसके अंदर। अच्छा, CNG पे भी गाड़ी है, पेट्रोल पे भी गाड़ी है, ये भी हम सारी चीज़ें भी मालूम करते हैं भाई के पास चलते हैं। और अभी मेरे साथ मौजूद है आमिर भाई। तो आमिर भाई की जो है गाड़ी है, आमिर भाई 2004 का जो है आपने मॉडल बताया, गाड़ी जो है वो ऑटो ट्रांसमिशन पे है, बाकी आप इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? 5,65,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं इसकी। ठीक है, 5,65,000 रुपये डिमांड, गुंजाइश है, थोड़ी बहुत गुंजाइश है इसमें। और गाड़ी चाल में कैसी है पूरी अपनी, सस्पेंशन वगैरह में कोई काम? बिल्कुल कोई काम नहीं है। अच्छा, CPLC वगैरह, फाइल वगैरह क्लियर है, फाइल क्लियर है, नंबर प्लेट टिकली हर चीज़ से क्लियर है, इदारे से भी क्लियर करवाएं चाहे करवा लें। ठीक है आमिर भाई, अपना नंबर भी एक दफ़ा हमें बता दीजिए। नंबर है 03-1212-85842। ठीक है, तो ये आमिर भाई का नंबर है, आप और ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। तो गाड़ी की सारी मालूमात तो हमने दे दी है, गाड़ी चारों तरफ से देख ली है, स्टार्ट करके भी देख ली है,
रूम वगैरह देख लिया, तो अभी जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी हम लोग को मिल गई कल्टस 2012 का जो है मॉडल है, व्हाइट कलर में गाड़ी, काफ़ी साफ़ सुथरी है। और देखते हैं अभी इसकी साइडें वगैरह और इंटीरियर वगैरह देखेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई ये भी हमें अच्छे रेट में मिल जाए। बाकी कोरे वगैरह आप लोगों ने देखी पीछे, इसके अलावा मेहरान देखी आप लोगों ने एक, तो अभी और देखेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा बड़ी गाड़ियों की तरफ भी बढ़ेंगे। क्योंकि देखें अभी शुरू में जो है वो छोटी गाड़ियाँ ऐसे ऐड करता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग डिमांड करते हैं कि यार भाई आप छोटी गाड़ी नहीं दिखाते हो, तो कोशिश यही होती है कि यार मैं शुरू में जो है वो 5-6-8 गाड़ियाँ जो है वो छोटी डाल दूँ, जो नॉर्मल रेट में हो, कम रेट में हो। तो अब देखते हैं इसका इंटीरियर वगैरह और फिर उसके बाद बात करेंगे भाई इसका रूम कैसा है और इंजन कैसा है। तो इंटीरियर देखें तो भाई आगे से डैशबोर्ड वगैरह बिल्कुल क्लियर है इसका। बाकी माइलेज क्या है, माइलेज भी नोट कर लें आप लोग, यहाँ से दिख रहा है। बाकी ये क्या हम उनसे मालूम भी कर लेंगे गाड़ी कितना चली हुई, सीट कवर वगैरह इसके प्रॉपर हैं। बाकी इसकी बैक साइड देखें तो भाई बैक साइड भी एक दफ़ा देख लेते हैं, दरवाजे वगैरह इसके क्लियर हैं, कोई रस्टी नहीं हो रही गाड़ी, कहीं से डस्टी नहीं हो रही है गाड़ी। और बैक साइड भी ये देख लें आप इस तरीके से, बाकी रूफ भी इसके क्लियर है। तो अब चलते हैं भाई आगे रूम, और रूम भी देख लेते हैं इसका रूम किस कंडीशन में मौजूद है। तो भाई बात करें रूम की, तो रूम भी आप लोगों को इसमें बिल्कुल क्लियर मिल जाता है, साइडें वगैरह जो है वो रूम की क्लियर हैं। बाकी इंजन किस कंडीशन में है वो भी अभी हम भाई से मालूम करेंगे, गाड़ी कितना चली हुई, ये सारी चीज़ें भी हम जो है वो भाई से मालूम कर लेते हैं। चलते हैं अभी भाई के पास, आमिर भाई के पास 2012 की जो है वो कल्टस भी मौजूद है। आमिर भाई बताइएगा सबसे पहले गाड़ी चली हुई कितना है ये? 66 चली हुई, 66,000 गाड़ी चली हुई है, फर्स्ट ओनर है गाड़ी है। ठीक है, बाकी डिमांड क्या? 2012 मॉडल है, 8,65,000 रुपये की इसकी डिमांड है। ठीक है, और नंबर मेरा वही 03121285842 है। ठीक है, CPLC वगैरह, बाकी से नंबर प्लेट टिकली फाइल हर चीज़ से सारी चीज़ें क्लियर है। बाकी सस्पेंशन वगैरह, गाड़ी सस्पेंशन वगैरह चाल में 0 मीटर चाल, तकरीबन 0 मीटर चाल पर गाड़ी है। ठीक है, अच्छी गाड़ी है, नए टायर लगे हैं, बैटरी भी नहीं लगी है, फर्स्ट ओनर का। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में भी हम लोगों को मिल गई है। बाकी आमिर भाई का नंबर भी मिल गया है, डिमांड एक दफ़ा फिर से बता दें आमिर भाई, 8,65,000 रुपये डिमांड है, इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश है, इंशाल्लाह जो बेहतर होगा वो कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो ऐड करते हैं। तो अभी हम लोग को 2013 का जो है मॉडल मिल गया है, वो टोयोटा पिक्सिस है, 260 cc की जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। पीछे लोगों ने मुझे बोला कि भाई 660 cc दिखाओ, और आप अंकल के पास नहीं जा रहे, तो अंकल के दोस्त ही हैं, उन्हीं की ये गाड़ी है, तो अभी इसको भी देख लेते हैं हम लोग। 2013 का मॉडल जो है मुझे बताया, टोयोटा की गाड़ी है, गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में रखी हुई है इन्होंने, बिल्कुल साफ़ सुथरी रखी हुई है, कोई डेंट वगैरह नहीं है, स्क्रैचेस वगैरह नहीं है गाड़ी पर। तो कोशिश करते हैं कि भाई इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लें गाड़ी को, और देखें इसमें क्या भाई कहाँ तक छोड़ देंगे गाड़ी। और कोशिश यही होती है यार कम रेट में अच्छी सी गाड़ी मिल जाए आप लोगों को। तो इंटीरियर वगैरह भी इसका देख लेते हैं भाई, तो इंटीरियर तो तकरीबन आपको भाई न्यू मिल जाता है, अभी तक पन्नी भी नहीं हटी है, और सीट्स वगैरह जो है इसकी वो न्यू डली हुई है, जो भी है बिल्कुल क्लियर है गाड़ी, और अंदर घुसते ही नई गाड़ी जैसी स्मेल आ रही है इसमें। तो अभी पैसे वगैरह जब मालूम करेंगे तो हमें और अच्छा सा जो है वो आइडिया हो जाएगा। बाकी LCD वगैरह लगी हुई है, बैक साइड पर इसका अच्छा खासा जो है वो रूम होता है, तो बैक साइड से चल के भी मैं आपको थोड़ा सा एक दिखा देता हूँ। तो गाड़ी बैक साइड से भी बिल्कुल क्लियर है, कोई रस नहीं है, कोई डस नहीं है, रूफ वगैरह इसकी बिल्कुल क्लियर है, और गाड़ी जो है वो बहुत साफ़ है, अच्छी कंडीशन में जो है वो रखी हुई है। बाकी अभी चलते हैं भाई इसका, भाई से मालूम करते हैं कि क्या इसकी डिमांड कर रहे हैं और कहाँ तक। मेरे साथ मौजूद हैं भाई साकिब भाई, तो साकिब भाई की जो है ये गाड़ी है, साकिब भाई 2013 का जो है ये मॉडल मुझे बताया, बाकी इसका माइलेज वगैरह क्या है थोड़ा सा बताएं। ये 53,000 चली हुई है। ठीक है, 53,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, फ्रेश क्लियर है गाड़ी। ठीक है, 20 की अभी यानी कि रजिस्ट्रेशन है इसकी, टोयोटा पिक्सिस है, हाफ क्रूज में आती है, इसकी आगे सुपर सीट होती है, रिटेक मिरर होते हैं, कारपेटिंग हुई थी, आरपीएम मीटर पे आती है, और ये इसकी टोयोटा पे ना, टोयोटा की वजह से डिमांड ज्यादा है, इसकी डिमांड ज्यादा है, सही वहां पे टोयोटा की वजह से क्वेश्चन ज्यादा आती है, ज़्यादा आती है। क्या इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं इसके? 12.5 लाख। ठीक है, 12.5 लाख रुपए जो है भाई वो इसकी डिमांड कर रहे हैं। बाकी गाड़ी में कोई काम आपके नज़रिए? कुछ भी नहीं है, गाड़ी बम्पर टू बम्पर जेन्युइन, आप अपने मैकेनिक को लेके आ सकते हैं, जहाँ बोलेंगे वहाँ आपको चेक भी करवा देंगे। ठीक है, बाकी फाइल वगैरह क्या सिस्टम है, सारी चीज़ें क्लियर है आपकी, वो होती है सारी चेक करवा के देंगे। बाकी अपना नंबर बता दीजिएगा, 03188 ठीक है, 288290290। चलें अभी जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं और कोशिश करते हैं और दूसरी गाड़ियां भी ऐड करते हैं। बढ़ चुके हैं, तो अभी निसान जीओ के नाम से हम लोगों को एक गाड़ी मिल गई है, तो अभी देखते हैं भाई, ये भी 660 सीसी है, तो 660 सीसी की काफ़ी ज़्यादा भी डिमांड है, क्योंकि देखें इसका माइलेज वगैरह काफ़ी अच्छा सा हो जाता है, आप लोग को एवरेज बहुत अच्छा मिल जाता है, फिर प्लस ये फैमिली कार है, इसमें AC वगैरह जो है आपको बहुत अच्छा सा मिल जाता है, तो गाड़ी ये भी पूरी क्लियर है। जैसे हम लोगों ने पीछे टोयोटा की पिक्सिस देखी, उसी तरीके से ये भी गाड़ी है, तो ये गाड़ी भी काफ़ी अच्छी है। 2012 का जो है ये मॉडल बताया, और 18 की रजिस्ट्रेशन बताइए भाई ने मुझे, तो बाकी चीज़ें जो है मालूम करेंगे वो सिर्फ भाई से ही मालूम करेंगे कि भाई क्या हिसाब किताब है और गाड़ी कितने तक में छोड़ेंगे। तो साइड वगैरह तो हम लोगों ने देख ली है, तो अभी चलते हैं भाई इसके इंटीरियर की तरफ, वो इंटीरियर भी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें प्लस आप लोगों को अलॉय रिम भी मिल जाते हैं, बाकी जो पीछे वाली हमने गाड़ी देखी थी उसमें अलॉय रिम नहीं थे, इसमें जो है अलॉय रिम भी डले हुए हैं, तो गाड़ी ये भी साफ़ है, वो भी काफ़ी साफ़ थी। तो ये देखें बिल्कुल अंदर से भी बिल्कुल साफ़ है,
और गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। पीछे बैक सीट्स वगैरह देखें तो इन्होंने ब्लैक एंड क्रीम कलर में जो है वो अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। बाकी रूफ वगैरह भी जो है उसकी गाड़ी की क्लियर है, तो गाड़ी ओवरऑल जो है वो बिल्कुल क्लियर है। बस अब चलते हैं भाई भाई के पास और भाई से मालूम करते हैं कि भाई इसकी क्या डिमांड है हमारे पास। साकिब भाई, तो साकिब भाई हमें इसकी डिटेल्स देंगे सारी। तो साकिब भाई सबसे पहले माइलेज वगैरह बताएं और डिमांड बताएं गाड़ी की। पानी की बोतल है, ठीक है, 12 मॉडल है, 18 रजिस्टर्ड है, ये कराची नंबर है और इसके जो है निसान डियो है। ये निसान डियो N200 आती है और ये चार गाड़ी होती है, कुछ सादी गाड़ी तीन गाड़ी जिसका। अच्छा, चार गाड़ी और तीन गाड़ी में थोड़ा सा डिफरेंस बता दे। एवरेज का फर्क आता है, एवरेज का फर्क आ जाता है। चार गाड़ी होती है उसका पेट्रोल एवरेज अच्छा होता है। अच्छा, और तीन में थोड़ा ज्यादा देती है, तीन में थोड़ा कम देती है, कम देती है, ठीक है। इंजन वो थोड़े मसले में चलते हैं। ये निसान डियो है और ये लोडेड वाली है, सादी वाली भी नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। और इसमें पीछे जो है ना फिल्टर सीट भी देंगे, ठीक है। ये फैमिली के लिए गाड़ी बेहतरीन है, कोई काम नहीं, यानी कि फैमिली कार है, बेहतरीन है, बेस्ट है, एसी वगैरह इसका सब कुछ। गाड़ी कोई सी भी हो ना, और क्या निशान में कोई सी भी गाड़ी हो, एसी उसका बेस्ट है। अच्छा, ये बताया अभी एवरेज क्या दे रही है गाड़ी? एवरेज 12-13 से कोई गाड़ी पड़नी देगी, ठीक है। 12-13 तक जो है वो एवरेज आपको मिल जाता है, काफी अच्छा एवरेज है 12-13 का भी। बाकी आपने डिमांड क्या बताया साकिब भाई? 10.25 लाख, ठीक है। साकिब भाई एक दफा अपना नंबर फिर से बता दिएगा मुझे, 3188-288-290, ठीक है। तो ये साकिब भाई का नंबर है, तो सारी डिटेल आप लोगों ने जानी। तो साकिब भाई ने काफी अच्छा सा आप लोगों को बताया, गरारी वगैरह का सिस्टम भी बताया, जिसमें एवरेज का काफी अच्छा सा जो है वो डिफरेंस आ जाता है। तो अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां जो है वो ऐड करते हैं। बढ़ चुके हैं तो अभी हम लोग को एक और 660 cc मिल गई है हाईजेट, और अभी देखेंगे भाई इसका क्या हिसाब किताब है। तो ये 12-18 का जो है मॉडल है, यानी कि 12 के जो है गाड़ी और 18 की जो है वो रजिस्ट्रेशन है। तो अभी ये गाड़ी भी देखते हैं हम इसमें क्या मिल जाता है आप लोगों को। तो गाड़ी ये भी बिल्कुल क्लियर है, इसकी साइडें वगैरह दरवाजे वगैरह आप देखें तो ये बिल्कुल क्लियर आप लोगों को मिलने हैं। कोई रस्टी नहीं है गाड़ी, कहीं से डस्टी नहीं है, कुछ इस तरीके की नहीं है। तो अभी कोशिश करेंगे कि भाई इस गाड़ी को भी अच्छे से डिटेलिंग में जो है वो देख लें हम लोग। तो दोनों साइडें जो है इसकी वो बिल्कुल क्लियर हैं, अलॉय रिम जो है इसमें लगे हुए हैं और गाड़ी अंदर से भी काफ़ी साफ़ सुथरी है। बाकी हम लोग चलते हैं इंटीरियर की तरफ, आगे की तरफ। तो इंटीरियर भी इसका आप लोगों को एक नज़र मैं दिखा देता हूँ। तो इंटीरियर भी जो है इसका वो बिल्कुल क्लियर है। बाकी आप लोगों ने आगे दो गाड़ियाँ देखी वो भी काफ़ी अच्छी थी, बाकी ये भी काफ़ी अच्छी है। बस ये कि कंपनी इसका फ़र्क आता है यार है, और कुछ नहीं है। बाकी गाड़ियाँ तो वही 660 cc हैं, सबका एवरेज जो है वो बेहतरीन होता है, ठीक है। फुल प्रूफ, फुल क्रूज, ठीक है, ठीक है, और ये चारों है ना सब पावर होता है, ठीक है। तो अभी अभी अंकल से हम थोड़ी सी डिटेल लेंगे, अंकल हमें सही से जो है वो गाइड करेंगे गाड़ी के बारे में। उससे पहले गाड़ी तो आप लोग पूरी ओवरऑल देख लें, फिर हम अंकल के पास चलते हैं और अंकल से पूछते हैं भाई क्या डिमांड वगैरह कर रहे हैं अंकल, और क्या डिटेल है इस गाड़ी की जो अंकल बता रहे हैं फुल क्रूज वगैरह का। फ्रंट लुक भी देखने पहले, उससे पहले कि हम अंकल के पास चलें और सारी बातचीत करेंगे, पैसे वगैरह मालूम करें, उससे पहले फ्रंट लुक भी आप देख लें गाड़ी का। तो फ्रंट लुक से भी गाड़ी बिल्कुल क्लियर है, बाकी रूफ भी जो है वो इसकी बिल्कुल क्लियर है, हमने विंडो स्क्रीन वगैरह भी क्लियर है। तो बस अब चलते हैं अंकल के पास और अंकल से मालूम करते हैं। शुएब भाई, तो शुएब भाई की गाड़ी है, तो शुएब भाई थोड़ा सा आप मुझे इस गाड़ी के बारे में डिटेल दें कि क्या है गाड़ी और क्या एवरेज वगैरह है। डायोड से ही बनाती है, ठीक है, लेकिन ये जो इसका ऑप्शन होता है फुल क्रूज होती है, फुल लोडेड गाड़ी, फुल लोडेड गाड़ी होती है, ठीक है। पीछे से इसके पावर होते हैं, इसके मिरर जो पावर होते हैं, मिरर पावर होते हैं, ठीक है। इसकी जो छत होती है ना, ये डबल प्रूफ होती है, डबल प्रूफ होती है, कूलिंग के लिए बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है, ठीक है। अच्छा अंकल, इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? इसकी डिमांड वैसे तो हम कर रहे हैं 1130 जो है वो डिमांड कर रहे हैं। पीछे से जापान से मॉडल है, ठीक है, और 18 की पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। अंकल अपना नंबर भी शेयर कर दिएगा ताकि अगर किसी को लेनी हो तो। नंबर है 0305, ठीक है, 3232-13-272। तो ये अंकल का जो है नंबर है, बाकी सारी डिटेल दी अंकल से, और ज़्यादा मालूम ले सकते हैं आप लोग कॉल करेंगे तो जाहिर सी बात है अच्छी सी आप लोग को और डिटेल मिल जाएगी। तो हाईजेट काफ़ी लोगों ने बोला था कि भाई हाईजेट आप लोग ऐड करो, तो अभी तीन गाड़ियाँ जो है वो मैंने ऐड करी हैं जो 660 cc हैं। बाकी देखेंगे आगे चल के और गाड़ियाँ मिलती है तो और भी दिखाएंगे। ठीक है, टोयोटा पिक्सी से वो निसान हाईजेट, ये ओरिजिनल हाईजेट है। तो ज़्यादातर जो रिसेल वैल्यू और यानी कि सेल वैल्यू जो है वो हाईजेट की ज़्यादा है, बाकी कंपनी चेंज होती है तो जाहिर सी बात है लोग उसमें फिर थोड़ा सा झिझकते हैं कि यार ये गाड़ी कैसी होगी, चाल में कैसी होगी। बेसिकली इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसके पार्ट्स बहुत सस्ते होते हैं, पार्ट्स सस्ते होते हैं, तो हाईजेट के पार्ट्स आपको इजीली मिल जाते हैं। बाकी आप दूसरी कोई गाड़ी लेते हैं तो फिर वो थोड़ा सा मसला होता है। मिसाल के तौर पर बताऊं इसकी, जैसे हेडलाइट है, ठीक है, जो किसी दूसरी कंपनी की आप तरफ जाएंगे ना तो 8-10 हज़ार में भी नहीं मिलेंगे, सही, 3-3.5 हज़ार में मिलेंगे। जबरदस्त, ये बात तो अंकल ने अच्छी बात है, यानी कि इस गाड़ी के पार्ट्स भी काफी सस्ते हैं, तो इस हिसाब से भी ये गाड़ी आपको काफी अच्छी पड़ जाती है। तो अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा गाड़ी जो है वो ऐड करते रहे। एक सिविक VTI, तो अभी देखेंगे गाड़ी किस तरीके से है, और काफी अच्छी जो है इन्होंने कंडीशन में गाड़ी रखी हुई है, साफ सुथरी करके रखी हुई है। 97 का जो है ये मॉडल मुझे बताया इन्होंने भाई ने, तो अभी देखेंगे भाई ये क्या इसकी डिमांड वगैरह कर रहे हैं। देखिए मॉडल काफी पीछे का है लेकिन गाड़ी काफी अच्छी सी जो है इन्होंने वो मेंटेन करके रखी हुई है। तो साइड लुक वगैरह तो आप लोगों को दिख रहे होंगे कि गाड़ी जो है वो बिल्कुल क्लियर है, अपनी बॉडी में इन्होंने पूरी रखी हुई है गाड़ी। तो अभी चलते हैं दूसरी साइड और दूसरी साइड भी देख लेते हैं हम लोग।
सो बात करें भाई फ्रंट लुक की, तो गाड़ी जो है वो बिल्कुल क्लियर है, यानी कि बिल्कुल फ्रेश करके लाए हैं भाई गाड़ी। तो अभी डिमांड भी इसकी कोई अच्छी सी बताएंगे, तो अभी देखेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर अच्छी डिमांड में गाड़ी मिल जाती है हमको कम पैसे में, तो काफ़ी अच्छा सा एक वो हो जाएगा। अब चलते हैं भाई इसके इंटीरियर की तरफ, और इंटीरियर भी हम लोग इसका देख लेते हैं कि इंटीरियर कैसा रखा हुआ है। गाड़ी बाहर से तो बहुत अच्छी इन्होंने साफ सुथरी रखी हुई है, बाकी अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा वुडन जो है स्टाइल इसको दिया हुआ है वुडन, और आगे जो है आपको पैनल वगैरह मिल जाता है, LCD पैनल वगैरह मिल रहा है, सारा इमोजीज वगैरह इसमें डाले हुए इन्होंने, और गाड़ी जो है वो ऑटो पे है, ऑटो ट्रांसमिशन पे गाड़ी है, तो गाड़ी बिल्कुल साफ़ रखी हुई है इन्होंने, सीट्स वगैरह गाड़ी की बिल्कुल साफ़ है। तो बैक साइड से भी एक नज़र हम गाड़ी को देख लेते हैं। बाकी दरवाजे वगैरह की बात करूँ तो साइड के दरवाजे वगैरह भी जो है वो इसके क्लियर हैं, कोई रस्ट वगैरह नहीं है गाड़ी के दरवाज़ों में भी। बाकी बैक साइड भी एक देखते हैं हम लोग, तो बैक साइड से भी गाड़ी भाई बिल्कुल क्लियर है, और सीट्स वगैरह पीछे की भी बिल्कुल अच्छी सी इन्होंने रखी हुई है, और ओरिजिनली जो है वो पीछे का जो सीट होती है उसी पे इन्होंने गाड़ी रखी हुई है, यानी कि कुछ कार्टन पिटी नहीं करी हुई, और गाड़ी काफ़ी अच्छी है, साफ़ सुथरी है। बस चलते हैं भाई के पास, भाई से मालूम करते हैं कि भाई इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं, और साथ साथ रूम भी देखेंगे। सो भाई बात करें रूम की, तो रूम भी आप लोगों को दिख जाता है अच्छा सा इन्होंने जो मेंटेन करके रखा हुआ है, साफ़ सुथरा रखा हुआ है, ज़्यादा फैलाई भी नहीं है चीज़ें, काफ़ी सारे लोग जो है वो काफ़ी फैला देते हैं वायरिंग वगैरह, क्योंकि पुराने मॉडल होते हैं, मैकेनिक तो अपने हिसाब से ही करते हैं, बस जहाँ वायर मिली वहीं खींच के छोड़ देते हैं। तो इंजन भी इसका काफ़ी अच्छा सा, रूम वगैरह बिल्कुल साफ़ है, क्लियर है। तो अब चलते हैं भाई भाई के पास, भाई से मालूम करते हैं भाई इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं, और गाड़ी कैसी है, चलने में कैसी है, सस्पेंशन में कैसी है, और इंटीरियर वाइज तो आप लोगों ने गाड़ी देख ही लिया। आउटर वाइज उमर भाई, तो उमर भाई की ये गाड़ी है, उमर भाई 97 का आपने मुझे मॉडल बताया, तो इसकी आप डिमांड क्या कर रहे हैं? मैं 6.5 लाख इसकी डिमांड कर रहा हूँ। ठीक है, फुल मेंटेन है गाड़ी, पट्टी पेंट करवाया हुआ इसका मैंने। ठीक है, अच्छा ये कब आपने करवाया पेंट? तकरीबन ये कोई तकरीबन 8 से 10 महीने हो गए। ठीक है, 8 से 10 महीने पहले आपने पेंट करवाया। बाकी गाड़ी चलने में कैसी है, सस्पेंशन वगैरह पूरी है? बेहतरीन है, मेरा घरों का हर हफ्ते का ट्रिप है इस पे। अच्छा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, यानी कि इंजन से सस्पेंशन से बेफिक्र हो जाए। बेहतरीन। ठीक है, इंटीरियर तो आप लोगों ने देख ही लिया है, डिमांड भी आप लोगों को बता दी है, बाकी अपना नंबर भी शेयर कर देगा मेरे भाई, 03223281102। तो ये भाई का नंबर है, बाकी ये CPLC वगैरह टैक्स वगैरह का तो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर है। तो अभी जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो ऐड करते हैं। फाइनली दोस्तों आगे बढ़ चुके हैं, तो अभी हम लोगों को भाई ये खैबर मिल गई है, तो 96 का जो है ये मॉडल है। तो मैंने बोला यार काफ़ी सारी हम लोगों ने जो है वो आगे की गाड़ियाँ बनाई, 2012 बनाया, 2015 बनाई, तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने आगे की बना ली है, ज़्यादा रेट बना ली, तो अब थोड़े कम बजट में भी आ जाते हैं। तो अभी देखेंगे इसके रेट वगैरह मालूम करेंगे, सारी चीज़ें जो है वो मालूम करेंगे। तो पहले साइडें वगैरह मैं आपको दिखा दूँ गाड़ी की, तो गाड़ी जो है ये नॉर्मल कंडीशन में मौजूद है, बाकी है कि भाई अभी पैसे बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा सा जो है हम लोगों को आइडिया हो जाएगा। चलें इसका रूम भी देख लेते हैं, रूम खुला हुआ है, तो रूम की कंडीशन भी लोग आपके सामने ही है, थोड़ा बहुत डस्टी है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बाकी पट्टियाँ वगैरह जो है वो क्लियर दिख रही हैं इसकी, ये वाली जो पट्टी होती है सामने की, लोग ज़्यादातर जो चेक करते हैं वो साइड की पट्टी और जो है फ्रंट की पट्टी चेक करते हैं। तो अब चलते हैं, हाँ टिकली वगैरह ये सारी चीज़ें जो है अभी हम भाई से मालूम करेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे। तो ये वाली साइड जो है इसकी दोनों क्लियर है बिल्कुल, बाकी अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ, और इंटीरियर भी एक नज़र देख लेते हैं इसका इंटीरियर किस कंडीशन में मौजूद है। तो इंटीरियर की बात करूं तो भाई इंटीरियर भी इसका नॉर्मल कंडीशन में मौजूद है, अब मैं इसको देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में, बाकी गाड़ी आप लोगों के सामने, बाकी अभी भाई डिमांड बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा सा हमें आइडिया हो जाएगा कि गाड़ी किस पैसों में आ रही है। मेरे साथ मौजूद है तुफैल भाई, तो तुफैल भाई की गाड़ी है, तुफैल भाई 96 का जो है ये आपने मुझे मॉडल बताया, अब इसकी डिमांड क्या करें तुफैल भाई? डिमांड तो भाई 90 कर रहा हूँ। ठीक है, 90 की जो है वो डिमांड है। बाकी गाड़ी चलने में कैसी है, सस्पेंशन वगैरह में कैसी है गाड़ी? माशाल्लाह चलने में बेहतरीन गाड़ी है। ठीक है, इंजन वगैरह में कोई काम? इंजन में कोई? ठीक है, बॉडी में काम है थोड़ा बहुत? बॉडी में थोड़ा बहुत काम है। ठीक है, थोड़ा ना होने वाला काम है, यानी कि टुक टुक काम है, जो लेगा वो गाड़ी भी लेता है तो काम करवाना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत करवाना पड़ता है। कितने आपने डिमांड बताई? 90 की जो है वो डिमांड बताई। बाकी तो फिर भाई अपना नंबर भी शेयर कर दिएगा, 03100302096996977। तो ये तुफैल भाई का नंबर है। तुफैल भाई एक चीज़ और मुझे बता दे, CPLC वगैरह पेपर्स में गाड़ी क्लियर है? CPLC सब क्लियर है भाई, इसके ये अपना टैक्स जो है ना 6 महीने का, 6 महीने का है। ठीक है, 6 महीने का टैक्स बाकी है, वो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। कितना होगा इसका? 1200-1200 रुपये होगा टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी क्लियर करके देंगे, वो भी क्लियर करके देंगे भाई। तो अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो ऐड करते हैं। लोगों को मिल गई है भाई शेराड 86 का जो है ये मॉडल है, तो गाड़ी काफ़ी अच्छी सी इन्होंने जो है वो बना के रखी हुई है। तो अभी देखेंगे भाई इसका क्या हिसाब किताब है, गाड़ी कितने में छोड़ रहे हैं। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी सी इन्होंने साफ सुथरी बना के रखी है, बाकी इंटीरियर भी बहुत प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है, अलॉय रिम वगैरह इसमें जो है इन्होंने डाले हुए हैं, और भाई ने इंजन भी जो है वो नया डाला हुआ है। तो यानी कि गाड़ी जो है वो लेने के हिसाब से बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको इसमें चीज़ें जो है वो नहीं मिल जाती है। तो जाहिर सी बात है अगर इंजन नया है तो जाहिर सी बात है फिर लोग लेने में झिझकते नहीं है। काफ़ी सारे लोग बोलते भी हैं यार इसका इंजन चेंज है, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं होता, वो जो है वो पेपरों में चढ़ जाता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। तो अब चलते हैं भाई इसके इंटीरियर की तरफ, और इसका इंटीरियर भी देख लेते हैं कि भाई इंटीरियर कैसा इन्होंने थोड़ा बहुत जो है मॉडिफाई किया हुआ है।
सो काफ़ी अच्छी सी जो है इन्होंने रखी हुई है गाड़ी सामने से। डैशबोर्ड जो है इसका अपना ही प्रॉपर जो है इन्होंने लगाया हुआ, बाकी जो है इन्होंने नीचे थोड़ा सा जो है वो मॉडिफिकेशन की हुई है, थोड़ा बहुत इन्होंने जो है वो अच्छा था। यहाँ पर पावर वगैरह का टैग दिया हुआ है, एम पावर का जो है वो टैग दिया हुआ है, यानी कि BMW का टैग है ये। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी सी इन्होंने भाई मेंटेन करी हुई है। अभी भाई के पास चलते हैं और भाई से भाई मालूम करते हैं क्या इसकी डिमांड कर रहे हैं और कहाँ तक फाइनल छोड़ देंगे। बाकी इसके ऊपर आपको ये वाली लाइटें भी भाई ने लगाई हुई, तो यानी कि गाड़ी बनाने के हिसाब से काफ़ी शौकीन भाई हैं ये। तो बाकी अब इसकी डिमांड पता चलेगी तो काफ़ी अच्छा सा आप लोगों को पता चल जाएगा। बाकी इन्होंने सीट्स के नीचे वो लाइट्स वगैरह भी डाली हुई हैं, जो आप लोगों को नियॉन लाइट जो नीचे दिखती हैं वो सारी लाइट्स वगैरह भी इसमें डली हुई हैं। बाकी अभी चलते हैं भाई आगे रूम की तरफ और रूम भी देख लेते हैं। तो रूम भी आप लोगों के सामने है, तो रूम भी क्लियर है इसका, साइडें वगैरह जो है वो क्लियर है, इंजन स्टार्ट है गाड़ी का भी आप लोगों के सामने। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी रखी हुई है भाई। अब भाई के पास चलते हैं और मालूम करते हैं भाई इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं शाहरुख भाई। तो शाहरुख भाई की गाड़ी है 86 का जो है मॉडल बताया शाहरुख भाई, इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं आप? सर मैं इसकी 3.5 डिमांड कर रहा हूँ, नया इंजन डाला हुआ है, ठीक है, 5 गियर फॉरवर्ड इंजन है, चिल्ड एसी है, ठीक है, और गाड़ी में किसी किस्म का काम नहीं है। मतलब मैंने ली थी उसको तैयार करिए, मुझे 3.5 से 4 की पड़ी हुई है, ठीक है, 3.5 से 4 की आपको गाड़ी पड़ी हुई है, लेकिन आप सेल कर रहे हैं? बिल्कुल, ठीक है, ये दूसरी गाड़ी यानी कि अपग्रेड कर रहे हैं? बिल्कुल, ठीक है। अच्छा फाइल वगैरह में बताएं, CPLC वगैरह सारी चीज़ें क्लियर है, हर चीज़ गाड़ी की? अच्छा ये जो आप इंजन जो स्वैप कराया है ये फाइल पे चढ़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं, ये अभी फाइल पे नहीं चढ़ावा है, लॉकडाउन में ही डलवाया था मैंने, ठीक है। फाइल पे जो भी चढ़वाना चाहे वो 2-3 हज़ार रुपये लगे। हाँ वो उसकी पर्ची जो है वो फाइल पे चढ़ जाती है। अच्छा इसमें पेट्रोल वगैरह CNG वगैरह दोनों? पेट्रोल CNG बिल्कुल दोनों ऑन है, और AC भी ऑन है, चिल्ड है AC भी, ठीक है। तो बाकी अब इसकी डिमांड तो बता दी भाई, आप अपना नंबर भी बता दिए शाहरुख पे? बिल्कुल 0342-530-9590, ठीक है। तो ये शाहरुख भाई का नंबर है, सारी डिटेल आप लोगों को दी, इंजन स्वैप है गाड़ी का, बाकी चीज़ें आप लोगों ने देख ली। गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में रखी हुई, AC वगैरह ऑन है, पेट्रोल CNG दोनों चीज़ें ऑन है। तो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी हम लोगों को भाई मिल गई है मीरा। तो अभी देखेंगे, कोशिश करेंगे इसकी सारी डिटेल आपको दें। 712 का जो है ये मॉडल है, तो गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, बाकी थोड़ा बहुत जो है वो स्क्रैचेस वगैरह हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता वो। बाकी साइडें वगैरह भी हम इसकी देखेंगे, बाकी भाई से मालूम करेंगे भाई गाड़ी चलने में कैसी है और क्या इसकी डिमांड कर रहे हैं भाई। तो गाड़ी मुझे ओवरऑल काफ़ी अच्छी लगी कंडीशन में। देखें पीछे का मॉडल होता है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है इसकी मेंटेनेंस वगैरह रखना, तो गाड़ी मेरे हिसाब से तो सही है। बाकी अभी भाई पैसे बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा सा हम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि गाड़ी कैसी है। तो इंटीरियर वगैरह इसका देख लेते हैं, अभी इंटीरियर भी देख लेंगे, फिर उसके बाद जो है भाई के पास चलेंगे और मालूम करेंगे क्या इसकी डिमांड कर रहे हैं। तो इसमें स्पेस जो है आपको बहुत अच्छा सा जो है वो मिल जाता है, तो गाड़ी में स्पेस काफ़ी अच्छा रखा हुआ है। बाहर से आप गाड़ी देखेंगे इतनी कॉम्पैक्ट आपको लगेगी, लेकिन जब आप आगे आएंगे आगे की सीट्स वगैरह देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। बाकी बैक साइड पर भी इसका अच्छा सा जो है स्पेस दिया हुआ है, फुल पावर विंडोज़ वगैरह गाड़ी है। बाकी 660 CC है इंजन इसका, वो भी सारी चीज़ें हम डिटेलिंग मालूम करेंगे। तो गाड़ी ओवरऑल तो मैंने आप लोगों को दिखा दी है, तो भाई अब भाई के पास चलते हैं और मालूम करते हैं कि भाई इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं और कहां तक फाइनल छोड़ देंगे। सो अभी मेरे साथ मौजूद हैं जिनकी ये गाड़ी है, तो अभी मालूम कर लेते हैं भाई इसकी क्या डिमांड वगैरह कर रहे हैं और क्या है हिसाब किताब है गाड़ी का, गाड़ी चलने में कैसी है, सस्पेंशन में कैसी है, इंजन में कैसी है, कैसे हैं भाई आप? सो आप इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं अभी भाई? ये 10.5 लाख रुपये इसकी डिमांड है, ठीक है, स्लाइटली नेगोशिएबल है इसमें, ठीक है, कम नहीं होंगे पैसे, ठीक है, 51,000 समथिंग चली हुई है, 51,000 समथिंग चली हुई है, 10.5 जो है वो इसकी डिमांड है, थोड़ी बहुत जो है इसमें कमी पेशी हो जाएगी गाड़ी में, गाड़ी चलने में ओके है बिल्कुल, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है इंजन वगैरह में, ओके है, ठीक है, इंजन चेंज नहीं है, ठीक है, बॉडी वाइज है, कम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स है इसके, CPLC वगैरह सब क्लियर है, ठीक है। अपना नंबर भी शेयर कर दीगा? मेरा नंबर है 0331, ठीक है, 2020-9-9-54-54। तो ये भाई का नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा मालूमात ले सकते हैं। गाड़ी ओवरऑल मैंने दिखा दी, सस्पेंशन में कोई काम नहीं है, इंजन में कोई काम नहीं है भाई ने बताया, बॉडी वाइज गाड़ी मैंने आप लोगों को दिखा दी, अंदर से भी पूरी गाड़ी दिखा दी, मेरा कस्टम है ये। बाकी 2007-2012 का जो है मॉडल, अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है 2003 की जो है हम लोगों को कल्टस मिल गई है। तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हम लोगों ने काफ़ी महंगी गाड़ियाँ मालूम करी, थोड़ी कम रेंज में भी मालूम करी, तो कोशिश यही होती है कि यार थोड़ी महंगी गाड़ियाँ मालूम करें, थोड़ी कम रेंज में मालूम करें, आगे के मॉडल करें, थोड़े कोई पीछे के पुराने मॉडल भी मालूम करें। तो अभी 2003 का जो है ये मॉडल है, गाड़ी काफ़ी साफ़ सुथरी रखी हुई है इन्होंने भाई ने, तो अभी इसकी डिमांड वगैरह मालूम करेंगे। गाड़ी पहले ओवरऑल देख लेते हैं हम लोग, तो अलॉय रिम वगैरह आप लोगों को इसमें मिल जाते हैं, बाकी इंजन वगैरह से कैसी है गाड़ी और सस्पेंशन से कैसी है गाड़ी, ये सारी चीज़ें भी हम भाई से मालूम करेंगे। तो गाड़ी साइडों वगैरह से बिल्कुल क्लियर है, बैक साइड से क्लियर है, व्हील वगैरह जो है वो नॉर्मल कंडीशन में है। सो साइड्स वगैरह देखिए आपको अलॉय रिम वगैरह इसमें मिल जाते हैं। तो अभी चलते हैं जल्दी से इंटीरियर की तरफ और इंटीरियर भी देख लेते हैं भाई इसका इंटीरियर किस कंडीशन में मौजूद है। तो इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा था इन्होंने, क्लीन रखा हुआ है, बाकी सीट्स वगैरह जो है वो नॉर्मल कंडीशन में है, बाकी इसमें कवर वगैरह चढ़ेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छी सी लगेगी। डैशबोर्ड वगैरह इसका पूरा है, बाकी AC वगैरह का और सारी चीज़ों का हम भाई से ही मालूम करेंगे। बैक साइड भी इसकी जो है वो क्लियर दिख रही है आप लोगों को, नॉर्मल सा साउंड सिस्टम जो है इसमें इंस्टॉल करा हुआ है भाई ने। दरवाज़ों की साइडें वगैरह क्लियर है, नीचे से पट्टियाँ वगैरह इतनी ज़्यादा रस्सी नहीं है, बाकी ये वाली साइडें देखें आप तो ये भी क्लियर हैं। तो अब चलते हैं भाई भाई के पास और भाई
से मालूम करते हैं भाई इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं। तो काशिफ भाई की गाड़ी है 2003 का ये मॉडल है, तो काशिफ भाई इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं आप? 4.5 डिमांड कर रहे हैं सर। ठीक है, 4.5 लाख रुपए जो है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। बाकी गाड़ी पेपर वगैरह में पूरी है, हर चीज डॉक्यूमेंटेशन कम्प्लीट है, कम्प्लीट फाइल है, नंबर प्लेट्स ओरिजिनल है, रिम्स वगैरह टायर है, ठीक है, पेट्रोल सीएनजी हर चीज। अच्छा, पेट्रोल सीएनजी एसी ऑन है इसका? एसी इसका वर्किंग में है, कम्प्लीट कंप्लीट है, सर्विस है, बट ऑन नहीं है। ठीक है, सर्विस यानी के मांग रहा है, तो एसी भी है गाड़ी में मौजूद लेकिन सर्विस मांग रहा है। बाकी पेट्रोल सीएनजी पे दोनों पे ऑन है गाड़ी। बाकी इंजन वगैरह में कैसी है गाड़ी चलने में? बेहतरीन। ठीक है, सस्पेंशन वगैरह सारे इसके ओके हैं? एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, अभी इसका हम रूम भी देख लेंगे। बाकी आपने इसकी डिमांड बताई 4.5 लाख रुपए जो है वो डिमांड बताई। अपना नंबर भी शेयर कर देगा, 0331 0331 2529 2529 5205205205। ठीक है, ये भाई का नंबर है। अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो हैं। हम लोग जाते जाते और रूम भी जो है वो इसका क्लियर है, साइडें वगैरह जो है वो गाड़ी की क्लियर है। ज़्यादातर जो लोग देखते हैं वो ये वाला स्पेस देखते हैं कि गाड़ी में एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं है, तो ये साइड है। ठीक है, ये चीज़ें भी इसकी क्लियर हैं, जेन्युइन कंडीशन में। ठीक है, जेन्युइन कंडीशन में है, इंजन है। ठीक है, तो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। खैबर 95 का जो है ये मॉडल है, तो गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में इन्होंने भाई ने रखी हुई है। बाकी इंटीरियर वगैरह भी मुझे काफ़ी अच्छा सा लगा, तो अभी देखेंगे, कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें भी हम सारी मालूम करें। तो अभी देखते हैं, साइड वगैरह देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है भाई से मालूम करेंगे क्या इसकी डिमांड कर रहे हैं। तो बैक साइड भी हम लोग पहले इसकी देख लें, तो बैक साइड भी जो है वो गाड़ी की क्लियर है। और चलते हैं दूसरी साइड पर, दूसरी साइड भी हम लोग देख लेते हैं। अलॉय रिम वगैरह जो है इन्होंने डाले हुए हैं इसके अंदर, और गाड़ी काफ़ी सुथरी कंडीशन में, दोनों साइड से कोई लकीरें वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं है, एक लाइन मुझे खाली दिखी गाड़ी पे, बाकी जो है वो क्लियर है गाड़ी। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ और इंटीरियर भी इसका देख लेते हैं हम लोग। सो इंटीरियर की बात करूँ तो इंटीरियर इन्होंने काफ़ी अच्छा सा मेंटेन करके रखा हुआ है। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, नीचे नियॉन लाइट्स वगैरह इन्होंने लगाई हुई हैं और आगे से बिल्कुल क्लीन रखी हुई है अपनी गाड़ी। सीट कवर रेड और ब्लैक कलर में जो है इन्होंने बनाए हुए हैं, काफ़ी अच्छा सा लुक दिया हुआ है गाड़ी को अंदर से। तो चलते हैं बैक साइड पर और बैक साइड भी इसका जो है हम लोग देख लेते हैं। तो बैक साइड भी बिल्कुल क्लियर मिल जाती है आपको, नीचे की जो साइडें वगैरह हैं वो कोई रस्टी नहीं दिख रही मुझे, बाकी दरवाजे की साइडें भी रस्टी नहीं दिख रही। गाड़ी ओवरऑल जो है वो साफ़ सुथरी कंडीशन में। बाकी चलते हैं इसका रूम और रूम भी देख लेते हैं, अभी रूम किस कंडीशन में मौजूद है। सो भाई बात करें रूम की, तो रूम भी इसका नॉर्मल कंडीशन में जो है मौजूद है। देखें, सर्विस वगैरह होती है, ज़्यादातर लोग सर्विस करवा के आते हैं तो वो आपको चमकता हुआ दिखता है, तो अच्छी कंडीशन में है। बाकी भाई से मालूम करेंगे गाड़ी में कोई काम वगैरह तो नहीं है, सस्पेंशन में इंजन में कोई काम तो नहीं है, वो सारी चीज़ें भी हम भाई से अभी मालूम करेंगे। चलते हैं भाई के पास और मालूम करते हैं भाई। शाह भाई, तो शाह भाई की जो है गाड़ी है 95 का जो है मॉडल बताया, शाह भाई इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं आप? इसकी 95 का मॉडल है और ठीक है 320 डिमांड है। ठीक है, 320 जो है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। बाकी गाड़ी सस्पेंशन वगैरह में कैसी है गाड़ी? सस्पेंशन में कोई काम नहीं, ओवरऑल काम कराया हुआ मैंने। ठीक है, डाले हुए टायर डाले हुए इसमें। ठीक है, और बाकी इंजन ओवरऑल हुआ हुआ है, ओवरऑल हुआ हुआ है। हां, ओवरऑल हुआ हुआ है। ठीक है, सस्पेंशन कंप्लीट, इंटीरियर मटेरियल, यानी कि पूरी गाड़ी आपने मेंटेन करके रखी हुई है। इंटीरियर का काम नहीं है इसके अंदर, कोई बॉडी का काम नहीं है, इंजन का काम नहीं है, सस्पेंशन काम नहीं है। अच्छा, पेपर वगैरह में थोड़ा सा मुझे बताइए। कंप्लीट है, सीपीएलसी क्लियर है और टैक्स अप टू डेट है। अप टू डेट है, ठीक है। आपने डिमांड क्या बताई? 320 जो है वो डिमांड है। अपना नंबर भी शेयर कर दिएगा, 0346 0346 327 327 97 97 24 24। तो ये भाई का नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा मालूम ले सकते हैं। तो गाड़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी। अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो ऐड करते हैं। अभी 83 की शराड का हम लोग को जो है मॉडल मिल चुका है, तो अभी देखेंगे, कोशिश करेंगे इस गाड़ी को भी जो है वो अच्छे से देखें, डिटेलिंग में देखें। तो ब्लू एंड ग्रे कलर में जो है वो अच्छा था इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, पीछे स्ट्रिकिंग वगैरह करी हुई है, तो गाड़ी काफ़ी अच्छे से लुक में इन्होंने बना के रखी हुई है। पीछे के बंपर वगैरह चेंज करे हुए, तो गाड़ी ओवरऑल जो है वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में इन्होंने रखी हुई है। अलॉय रिम वगैरह जो है वो गाड़ी में डाले हुए हैं, तो पहले अभी इसका फ्रंट वगैरह देख लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे इंटीरियर की तरफ और इंटीरियर भी देखेंगे भाई इंटीरियर इन्होंने किस कंडीशन में रखा हुआ है। नीचे का भी इन्होंने आगे की मॉडिफिकेशन की हुई है, बंपर चेंज है इसके दोनों। तो अब चलते हैं भाई इसकी दूसरी वाली साइड पर, दूसरी साइड भी हम लोग देख लेते हैं एक नज़र, फिर उसके बाद चलेंगे इंटीरियर की तरफ और इंटीरियर देखेंगे किस कंडीशन में इन्होंने बनाया हुआ। बाकी सीट्स वगैरह जो है इन्होंने स्वैप करी हुई किसी दूसरी गाड़ी की डाली हुई है, तो वो भी काफ़ी अच्छा सा लुक दे रही है गाड़ी पे। बाकी इसमें मोमो का स्टेयरिंग वगैरह जो है वो इन्होंने डाला हुआ है, तो अभी देख लेते हैं भाई इंटीरियर। तो इंटीरियर में सीट्स भी काफ़ी अच्छी सी मिल जाती हैं आपको, यानी कि किसी दूसरी गाड़ी की। अभी कौन सी गाड़ी की है ये भी हम भाई से मालूम करेंगे। गत्ते वगैरह जो है इन्होंने बिल्कुल मैचिंग के बनाए हुए, यानी कि पूरी गाड़ी जो है इन्होंने वो ओवरऑल जो है काफ़ी अच्छी बनाई हुई है। बैक साइड चलते हैं, बैक साइड भी देख लेते हैं एक नज़र, तो बैक साइड पे भी आपको अच्छी सी जो है वो कंडीशन मिल जाती है, साफ़ सुथरी, कोई सीट्स वगैरह फटी भी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। बाकी ये नीचे की पट्टियाँ हम लोग देखें तो ये भी इतनी रस्टी नहीं है, दरवाजे वगैरह जो है वो इसके क्लियर हैं। चलते हैं रूम की तरफ और रूम भी एक नज़र हम लोग देख लेते हैं कि भाई रूम की क्या कंडीशन है। सो रूम की बात करूँ तो भाई रूम भी आप लोगों के सामने, तो अच्छी कंडीशन में इन्होंने रूम रखा हुआ है, तो ओवरऑल गाड़ी जो है इन्होंने रिपेंट करी हुई है। बाकी एक गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में, अगर आप लोग लेना चाहें तो अच्छा ऑप्शन मिल जाता है आपको कि गाड़ी पूरी ओवरऑल पेंट हुई है, अंदर की चीज़ें वगैरह सारी चेंज हुई है, तो यानी कि आपको लेने के बाद कुछ करवाना नहीं पड़ेगा, गाड़ी ओवरऑल आपको तैयार मौजूद है। अखिल भाई, तो अखिल भाई की जो है ये गाड़ी है, तो अखिल भाई 83 का जो है ये मॉडल बताया, इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं आप? इसकी डिमांड है 280। ठीक है, 280 जो है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। बाकी गाड़ी चलने में कैसी है, सस्पेंशन वगैरह में?
ठीक है, इंटीरियर वाइज वगैरह आपने सीट्स वगैरह ये कौन सी डाली है? एक्वा की सीटें डाली। ठीक है, एक्वा की जो है आपने सीट जो है वो अपग्रेड करी है। बाकी गाड़ी का इंजन कैसा है? गाड़ी का इंजन सॉलिड है। ठीक है, अच्छा पेट्रोल पे रखी है आपने शुरू से ये गाड़ी? एसी वगैरह इसका सारा वर्किंग में है? सारी चीज़ें वर्किंग में। ठीक है, डिमांड आपने क्या बताई? 280 जो है वो गाड़ी की डिमांड बताई। बाकी पेपर वगैरह में क्लियर है? सीपीएलसी वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हैं। अपना नंबर भी शेयर कर दिया अखिल भाई। 0321 ठीक है 2768771। ठीक है, तो ये अखिल भाई का नंबर है, आप इस पर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं गाड़ी के बारे में। तो सारी डिटेल तो मैंने वैसे दे दी है, बॉडी वगैरह भी दिखा दिया आपको। बाकी ये कि आपको गाड़ी पसंद आया तो आप कॉल करें अखिल भाई को, ले लें। आप जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो ऐड करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ चुके हैं, तो भाई काफ़ी सारे जो लोग जो है वो FJ19 के शौकीन थे, तो अभी हम लोगों को दूसरी गाड़ी मिल गई है, विल्स के नाम से जो है ये गाड़ी है। तो पूरी डिटेल जो है इनके जो ऑनर हैं हम उन्हीं से लेंगे। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी सी कंडीशन में जो है इन्होंने बना के रखी हुई है। बाकी पूरा जो है इन्होंने लेदर का हुड बनाया हुआ है पीछे का, यानी कि पूरा ओवरऑल सारा काम करवा के रखा हुआ है। न्यू पेंट कराई हुई है गाड़ी, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी कंडीशन में लगी थी मुझे जब गाड़ी चलती भी आ रही थी। तो मैंने बोला चलें देखेंगे आज इसका मार्केट में, मालूम करेंगे भाई इसकी क्या डिमांड वगैरह चल रही है मार्केट में। तो गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छी कंडीशन में इन्होंने अपग्रेड करी हुई है, यानी कि हर चीज़ की चेंज करी हुई है। बैक वगैरह पूरा बनाया हुआ है, LCD वगैरह इंस्टॉल है, पीछे की सीट्स वगैरह काफ़ी अच्छी सी बनाई हुई है इन्होंने। ब्राउन ब्लैक एंड व्हाइट कलर के जो है वो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। साउंड सिस्टम वगैरह बेहतरीन दिया हुआ है। बाकी ऊपर की बात करें तो ये पूरा LEDs का लुक जो है आप लोगों को दिख जाता है। तो गाड़ी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी मेहनत करी है इन्होंने और अच्छा सा जो है वो लुक दिया है गाड़ी को। तो अब चलते हैं फ्रंट साइड पर, फ्रंट का इंटीरियर भी इसका हम लोग देख लेते हैं कि फ्रंट का इंटीरियर कैसा है। तो भाई फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पे भी अच्छा खासा आपको लेग स्पेस मिल जाता है। बाकी मीटर वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे से जो है आप लोगों को मिल जाते हैं इस पे। फ्रंट पे इन्होंने मॉडिफिकेशन करी हुई है थोड़ी बहुत। बाकी ये कि बैक साइड पे तो बिल्कुल फुल ऑन इन्होंने जो है वो हटो बच्चों काम करा हुआ है, बिल्कुल स्पीकर्स वगैरह लगाए हुए, LED लाइट्स वगैरह लगाई हुई, सारी चीज़ें यानी कि इन्होंने कस्टमाइज़ करा हुआ है पूरी गाड़ी को। तो अब चलते हैं भाई, भाई से मालूम करते हैं भाई क्या खर्चा आया और गाड़ी क्या इसकी अभी जो है वो कीमत क्या होगी और कितने तक में गाड़ी है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं जावेद भाई, तो जावेद भाई की जो है ये गाड़ी है। तो जावेद भाई सबसे पहले तो बताएं ये कौन सी गाड़ी है, क्या हिसाब किताब है इसका? ये गाड़ी विल्स गाड़ी है, अमेरिकन M38। M38 ठीक है, इसको बोलती है, लेकिन ये लॉन्ग चेचेस पे, लॉन्ग चेचेस पे ठीक है। और इसको हमने अपने शौक से बनाया था अपने लिए, टूर के लिए, ठीक है, टूरिंग के लिए आपने बनाया था, पाकिस्तान टूर के लिए हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। तो अभी जो है ना बेचने लाया हूँ, बेचने लाया। तो इसका इंजन वगैरह क्या है थोड़ा सा मुझे गाइड करें। इसपे इंजन लगा हुआ है डीजल का, 12 का इंजन, 12 का जो है वो इंजन लगा हुआ है डीजल। इसमें अगला पिछला हिस्सा जो है दोनों हम लोगों ने डाला है इसमें 150 रोकी का। अच्छा 150 रोकी का, यानी कि पूरी यानी कि आपने चेंज करा हुआ नीचे का? 150 रोकी का दोनों हिस्से डाले हुए, गियर स्पेशल टॉप वाला मैंने डाला हुआ है 150 रोकी का, ठीक है। बाकी ओवरऑल क्या खर्चा आया इस पे आपने तकरीबन? माशाल्लाह अच्छा खासा खर्चा कर दिया। ये गाड़ी पड़ी है तकरीबन 12-12.5 लाख, ठीक है 12 लाख रुपए तक की, यानी कि गाड़ी पड़ गई आपको 12 में पड़ गई क्योंकि हमने शौक में बनाई, शौक में बनाई, सही बात है। अभी जो है ना मार्केट में हमें 9 लाख रुपए डिमांड कर, ठीक है, मार्केट में जो है 9 लाख रुपए आप जो है वो डिमांड कर रहे हैं। बाकी तो पड़ी है 12 लाख, 12 लाख की पड़ी। देखें शौक के आगे तो कोई वो नहीं है। देखें अगर आप कोई प्रोजेक्ट की गाड़ी बनाते हैं तो उसमें काफी ज्यादा पैसा लग जाता है, लेकिन जब बेचने खड़े होते हैं तो वो आपको पैसे नहीं मिलते। तो बस आप इसका बता दिएगा, अपना नंबर भी शेयर कर दिएगा ताकि किसी ने परचेज करना। नंबर मेरा है 0346-26-14-425, ठीक है। तो ये भाई का नंबर है, भाई भाई ने गाड़ी काफ़ी अच्छी तैयार करी है और जब आप खुद आके देखोगे विजिट करोगे तो आपको अलग ही एक फील आएगी क्योंकि गाड़ी काफ़ी अच्छी है, टूरिंग वगैरह से बहुत अच्छी है गाड़ी। टूरिंग वगैरह पे कहीं निकलना हो बेधड़क आप निकल जाओ। तो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो ऐड। अभी हम लोगों को मॉडल मिल गया 92 का मॉडल है। अभी गाड़ी देखेंगे ओवरऑल पहले, फिर इसके बारे में आपको बताएंगे भाई क्या इसकी डिमांड वगैरह कर रहे हैं। तो साइड वगैरह आप लोगों के सामने थोड़े बहुत स्क्रैचेस वगैरह गाड़ी पे देख रहे हैं, बाकी ये गाड़ी अच्छी कंडीशन में इन्होंने रखी हुई है। सामने क्रोम वाली जो आजकल काफ़ी ज़्यादा बुलेन में चल रही है, ये क्रोम वाली पट्टी वगैरह ये सब चीज़ें जो इन्होंने लगाई हुई है। बाकी इंटीरियर भी देखेंगे इसका इंटीरियर कैसा बना हुआ है, और दूसरी वाली साइड देखें तो दूसरी वाली साइड भी क्लियर है, काफ़ी अच्छी सी कंडीशन में इन्होंने रखा हुआ है। बाकी इनके व्हील कैप वगैरह इन्होंने व्हाइट कलर में व्हील कैप लगाए हुए हैं, व्हील की कंडीशन काफ़ी अच्छी है गाड़ी की। तो गाड़ी ओवरऑल अभी हम लोगों ने देखी, बस चलते हैं अब इसका इंटीरियर वगैरह देखते हैं और फिर बात करेंगे भाई से भाई क्या इसकी डिमांड वगैरह कर रहे हैं, गाड़ी में कोई काम वगैरह, सस्पेंशन में कोई काम, जो भी चीज़ होगी वो सारी चीज़ें अभी हम मालूम करेंगे। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं भाई इसका इंटीरियर। सो इंटीरियर की बात करूँ तो इंटीरियर भी आपके सामने है सारी चीज़ें। बाकी इन्होंने सामने कवर वगैरह लगाया हुआ है, डैशबोर्ड वगैरह जो है इसका पूरा है, सीट्स वगैरह जो है वो अच्छी नॉर्मल कंडीशन में जो है मौजूद हैं। बाकी साइड के गत्ते वगैरह देखूँ तो गत्ते वगैरह भी आपके सामने है। बाकी नीचे कोई इसमें रस्ट वगैरह नहीं है दरवाज़ों में, साइडों पर। बैक साइड भी अभी हम लोग इसकी देख लेते हैं,
तो बैक साइड की बात करूं तो बैक साइड की कारपेटिंग वगैरह हुई भी है गाड़ी की, रूफ वगैरह जो है वो बिल्कुल क्लियर है, सीट वगैरह की जो है वो नॉर्मल कंडीशन में है, बाकी साउंड सिस्टम वगैरह जो है इसमें डला हुआ हैवी साउंड सिस्टम भाई ने जो है वो डाल रखा है, तो गाड़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कंडीशन। बाकी अभी पैसे पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा सा जो है हम लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो चलते हैं भाई के पास और भाई से मालूम करते हैं। उस्मान भाई, उस्मान भाई की जो है ये गाड़ी है, तो अभी सारी चीज़ें हम उस्मान भाई से मालूम कर रहे हैं। उस्मान भाई सबसे पहले तो बताइएगा आप इस गाड़ी की डिमांड क्या कर रहे हैं। इस गाड़ी की डिमांड 3,10,000 रुपये, ठीक है, 3,10,000 रुपये की जो है वो डिमांड है गाड़ी में। थोड़ी बहुत जो है निगोशिएट हो जाएगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। बाकी इंजन वगैरह से सस्पेंशन से कैसी है गाड़ी? इंजन वगैरह ओके है, रिटर्न फाइल है, टैक्स वगैरह क्लियर है, टैक्स वगैरह क्लियर है, ठीक है, गाड़ी में कोई काम नहीं, काम वगैरह यानी कुछ नहीं आपके नजरिए में। तो अपना नंबर भी उस्मान भाई शेयर कर दीजिएगा, 0312-205-0807, ठीक है। तो ये भाई का नंबर है, उस्मान भाई का। बाकी सारी डिटेल मैंने आप लोगों को दी, गाड़ी सीपीएलसी में कंप्लीट है यानी कि कोई मसला नहीं है, बाकी इंजन वगैरह में कोई काम नहीं है, सस्पेंशन में कोई काम नहीं है, गाड़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है भाई बता रहे हैं। तो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो ऐड करते रहें। फाइनली दोस्तों आगे बढ़ चुके हैं, तो अभी हम लोगों को मिल गई विट्स 2012 का जो है ये मॉडल है। तो गाड़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छी सी कंडीशन में इन्होंने रखी हुई, कलर वगैरह जो है वो गाड़ी का साफ है। तो बाकी इसकी डिमांड वगैरह भी मालूम करेंगे तो हमें और अच्छा आइडिया हो जाएगा भाई क्या कंडीशन है गाड़ी की, क्योंकि देखें डिमांड हमेशा कंडीशन के हिसाब से ही होती है। तो गाड़ी साइडों से क्लियर है, थोड़े बहुत स्क्रैचेस हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ओरिजिनल पे रखी हुई है मेरे ख्याल से गाड़ी। ये भी सारी चीज़ें हम मालूम करेंगे भाई, कोई पीस जो है टचअप वगैरह है जो भी है वो सारी चीज़ें जो है अभी हम मालूम करेंगे। तो बैक से गाड़ी क्लियर है, साइड देखिए आपने एक साइड से भी गाड़ी क्लियर है, ये वाली साइड देख लेते तो अभी यहाँ से भी जो है वो गाड़ी क्लियर है। तो अभी चलते हैं इंटीरियर की तरफ और इंटीरियर भी इसका एक नज़र देख लेते हैं भाई इंटीरियर की क्या हिसाब किताब है। तो इंटीरियर भी इसका बिल्कुल क्लीन है और साइड के दरवाजे वगैरह जो है वो गाड़ी के बिल्कुल क्लियर हैं, यानी कि कोई रस्ट वगैरह नहीं है, कोई डस्ट वगैरह नहीं है। सीट्स वगैरह जो है इसकी कंप्लीट है, कुछ फटी हुई नहीं है, ओरिजिनल सीट्स पे जो है गाड़ी है, कवर वगैरह इन्होंने नहीं चढ़ाए हुए। बाकी ये के सामने का हम देखें डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड बिल्कुल क्लियर रखा हुआ है इन्होंने, नीचे से गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। बाकी बैक साइड भी चलते हैं और बैक साइड भी इसकी एक नज़र देख लेते हैं हम लोग। तो बैक साइड से भी गाड़ी जो है वो बिल्कुल क्लियर है ये, और रूफ़ वगैरह की कंडीशन भी अच्छी है, कहीं से दबी भी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। तो एसी वगैरह बाकी सारी चीज़ें सब चीज़ें भी जो है मालूम करेंगे, सीपीएलसी वगैरह, इसका इंजन वगैरह, सस्पेंशन में कैसी है गाड़ी, ये सारी चीज़ें भी मालूम करेंगे भाई से। चलते हैं भाई के पास साकिब भाई। तो साकिब भाई की जो है ये गाड़ी है, तो साकिब भाई 712 का जो है ये मॉडल है, गाड़ी की डिमांड क्या कर रहे हैं आप? सर 11 लाख, ठीक है, 11 लाख रुपये जो है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। बाकी गाड़ी चलने में कैसी है, सस्पेंशन वगैरह में कैसी है? बिल्कुल ओके, अपना इंजन है, ठीक है, हर चीज़ से यानी कि ओके, जेन्युइन कंडीशन में आप बोल रहे हैं, सीपीएलसी वगैरह, टैक्स वगैरह सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हैं। बाकी साकिब भाई अपना नंबर भी शेयर कर दिएगा, 0312-205-2568-642। तो ये भाई का नंबर है, आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज़्यादा डिटेल ले सकते हो। तो गाड़ी तो ओवरऑल हम लोगों ने दिखाई दी है, बाकी ये कि आप भाई को कॉन्टैक्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है और डिटेल ले लो। तो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो अभी 96 का जो है हम लोगों को मॉडल मिल गया इंडस करोला का, तो अभी देखेंगे इसका मालूम करेंगे कि भाई गाड़ी कितने में है और क्या हिसाब किताब है इसका। तो गाड़ी ओवरऑल जो है वो साफ़ सुथरी रखी हुई है, बिल्कुल साइडों से कलर वगैरह इसका बिल्कुल परफेक्ट है, अलॉय रिम वगैरह जो है वो गाड़ी में डले हुए हैं, तो गाड़ी के दरवाजे वगैरह भी जो है वो बिल्कुल साफ़ हैं। तो पहले बॉडी देखेंगे, फिर उसके बाद इंटीरियर की बात करेंगे और फिर मालूम करेंगे भाई इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं भाई और कितने तक में गाड़ी जो है वो छोड़ेंगे। तो फ्रंट भी इसका जो है वो बिल्कुल क्लियर है, आप लोगों को फ्रंट भी बिल्कुल क्लियर दिख जाता है। तो गाड़ी यानी कि बिल्कुल कलर अदनान भाई, तो अदनान भाई की जो है ये गाड़ी, अदनान भाई 96 का जो है ये आपने मुझे मॉडल बताया, अब इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? 5,50,000, ठीक है, 5,50,000 रुपये जो है वो गाड़ी की डिमांड है। तो गाड़ी चलने में, सस्पेंशन वगैरह में कैसी है गाड़ी? ठीक है, इंजन वगैरह में कोई काम? परफेक्ट, ठीक है, सीपीएलसी वगैरह इसके कागजात वगैरह में जो है वो क्लियर है और टैक्स इसका अपडेट पेड है, अप टू डेट है। तो गाड़ी सीएनजी पेट्रोल दोनों पे है या दोनों पर है? एसी वगैरह इसका वर्किंग में? एसी में सिर्फ गैस नहीं है, ठीक है, एसी की जो है वो सर्विस मांग रहा है गाड़ी। गाड़ी की डिमांड क्या बताई आपने? 5,50,000। आदान भाई अपना नंबर भी शेयर कर दिएगा, 0312, ठीक है, 2893-404-404। तो ये भाई का नंबर है, आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज़्यादा डिटेल ले सकते हो। गाड़ी तो ओवरऑल सारी मैंने आप लोगों को दिखा दी है, गाड़ी अच्छी है चलने में, बाकी सस्पेंशन में कोई काम नहीं है, इंजन में कोई काम नहीं है, सीपीएलसी वगैरह क्लियर है, टैक्स इसका पेड है, बॉडी वाइज गाड़ी अच्छी है। तो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी में। तो अभी हम लोगों को भाई मिल गई है लैंड क्रूजर प्राडो, तो अभी देखेंगे भाई इसकी क्या डिमांड वगैरह कर रहे हैं। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी लुक में दिखी मुझे, काफ़ी दूर से खड़ी हुई, तो इस मॉडल की काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है। ज़्यादातर लोग जो है इसको वो वाइट कलर में बनाते हैं और काफ़ी अच्छी बनती है, और ब्लू और ग्रे कलर में जो है इन्होंने वो शेड दिया हुआ है गाड़ी को। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है ये 4x4। और बाकी अभी इसका इंजन वगैरह क्या है, गाड़ी ओवरऑल साइडों वगैरह से तो बिल्कुल कंप्लीट है और काफ़ी अच्छी कंडीशन में जो है इन्होंने वो गाड़ी रखी हुई है। तो अभी जब भाई से हम बात करेंगे कि भाई इसकी डिमांड वगैरह क्या कर रहे हैं, गाड़ी चाल में कैसी है और टूरिंग वगैरह की नहीं है, तो बस ये बेस्ट गाड़ी है भाई,
तो अभी देखते हैं हम दूसरी साइड भी। बाकी आपने हमारी रेड वाली तो देखी होगी, जिसका हमने पूरा ओवरऑल जो है वो वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने कलर वगैरह पूरा गाड़ी को करवाया था और सारी चीज़ें उसकी चेंज करवाई थी। बाकी ये क्या, अभी उसका इंटीरियर का भी वर्क चल रहा है, तो वो गाड़ी भी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप लोगों को दिख जाएगी चैनल पर। बाकी अभी इस गाड़ी की बात करें तो इसका इंटीरियर हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं, और इंटीरियर की बात करें तो सीट्स वगैरह जो है अच्छी कंडीशन में मिल जाती हैं। बाकी इसका डैशबोर्ड वगैरह भी देख लेते हैं। सो अंदर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर भी इसका कंप्लीट है, डैशबोर्ड वगैरह कंप्लीट है, सारे मीटर्स वगैरह मौजूद हैं। देखिए इसकी चीज़ें भी काफ़ी मुश्किल से मिलती हैं, क्योंकि ये सारी शहरशाह में आपको मिलेंगी चीज़ें, मीटर्स वगैरह। और सीट्स वगैरह की बात करूं तो सीट्स वगैरह अच्छी कंडीशन में है सारी। बाकी बैक स्पेस आपको काफ़ी अच्छा सा मिल जाता है, और गाड़ी ऊपर से तो काफ़ी अच्छी है। अब चलते हैं भाई भाई के पास, और भाई से मालूम करते हैं कि भाई इंजन वगैरह कौन सा है इसमें और क्या हिसाब किताब है गाड़ी का, कितने में गाड़ी। मेरे साथ मौजूद है नासिर भाई, तो नासिर भाई की जो ये गाड़ी है तो गाड़ी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी कंडीशन में नासिर भाई ने रखी हुई। तो नासिर भाई सबसे पहले तो ये बताएं आप इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं। 26 लाख। ठीक है, 26 लाख रुपये जो है वो गाड़ी की डिमांड है। बाकी ओवरऑल गाड़ी तो आपने देखी पूरी, इंटीरियर वगैरह देख लिया। अच्छा, पूरा जो है ओरिजिनल पर आपने गाड़ी रखी हुई है, कोई पीस टचअप वगैरह? कोई भी नहीं। ठीक है, तो बाकी फाइल वगैरह क्या है, हिसाब किताब है, सारे पेपर वगैरह क्लियर है, सीपीएलसी वगैरह इसकी क्लियर है। इंजन इसका क्या, स्वैप करा हुआ है, अपना ही चल रहा है अभी? कौन सा इंजन कौन सा है इसका? 1KZ जो है वो इसका इंजन है। बाकी अपना नंबर भी शेयर कर दिया अगर किसी ने परचेज करनी है। ठीक है, 2615। ठीक है, 819 819। तो ये भाई का नंबर है, आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज़्यादा डिटेल ले सकते हो और गाड़ी की मालूम ले सकते हो। गाड़ी ओवरऑल जो है भाई बोलते बता रहे हैं कि पूरी जो है ओरिजिनल पे गाड़ी रखी हुई, कोई पीस टचअप वगैरह नहीं है। इंजन जो है इसका अपना है K1Z जो है, 1KZ जो है इंजन बताया। बाकी इंटीरियर से गाड़ी पूरी है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ आगे बढ़ चुके हैं। तो अभी 11-15 की एवरी हम लोगों को मिल गई, तो एवरी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। 660 पहले भी मैं कर चुका हूँ आपको, पीछे मैंने जो है वो 3 दिखाई, अलग अलग कंपनियों की दिखाई। तो अभी ये हमें एवरी मिली है, तो अभी इसका मालूम करेंगे कि भाई कितने की गाड़ी है, क्या हिसाब किताब चल रहा है, क्योंकि देखें रेट तो हर गाड़ी के बड़े हैं। बाकी अभी इसमें क्या डिफरेंस आया वो भी हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा जब मालूम करेंगे हम लोग रेट। तो सामने से बिल्कुल क्लियर है गाड़ी, साइडों वगैरह से जो है वो गाड़ी बिल्कुल क्लियर है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी कंडीशन में जो है इन्होंने गाड़ी रखी हुई है। बाकी हम रेट वगैरह मालूम करेंगे तो और अच्छा सा हम लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो इंटीरियर की तरफ चलते हैं, इंटीरियर भी देख लेते हैं। तो इंटीरियर वगैरह भी इसका क्लियर है, दरवाजे वगैरह की साइड वगैरह जो है वो बिल्कुल क्लियर है, कोई रस्टी वगैरह नहीं है, डस्टी वगैरह नहीं है। आगे से गाड़ी जो है वो बिल्कुल क्लियर है। बाकी अभी चलते हैं भाई बैक साइड पे और बैक साइड भी इसकी देख लेते हैं। बाकी भाई से मालूम करेंगे कि भाई कितनी चली हुई गाड़ी, क्या हिसाब किताब है, वो सारी चीज़ें भी हम मालूम करेंगे। तो बैक साइड भी इसकी बिल्कुल क्लियर है, कोई रस्टी नहीं हो रही, कोई डस्टी नहीं हो रही। छत वगैरह जो है वो गाड़ी की बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं भाई के पास, भाई से मालूम करते हैं भाई इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं और कितने तक गाड़ी। नासिर भाई, तो नासिर भाई की ये गाड़ी है। नासिर भाई, एवरी 11-17 का जो है, 11-15 का जो है आपने मुझे मॉडल बताया, इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? इसकी 10.25 लाख। ठीक है, 10.25 लाख रुपये जो है वो डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, चलने चाल में कैसी है, सस्पेंशन वगैरह ओके, इंजन वगैरह में कोई काम? अपना इंजन 88,000। ठीक है, 88,000 जो है वो गाड़ी चली हुई है, इंजन वगैरह ओके है, सस्पेंशन में गाड़ी अच्छी है, कलर वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, इंटीरियर वगैरह दिखाया। भाई ने डिमांड क्या बताई आपने? 10 लाख। ठीक है, 10,25,000 रुपये डिमांड बताई। बाकी अपना नंबर भी शेयर कर दो। 344। ठीक है, 2395302। तो ये भाई का नंबर है, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो और ज़्यादा डिटेल ले सकते हो। बाकी गाड़ी तो मैंने आपको ओवरऑल दिखाई दी, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है। तो 84 का जो है हमें मॉडल मिल चुका है और पूरी तरीके से इन्होंने जो है मॉडिफाई करा हुआ है, पूरी बॉडी किट वगैरह जो है वो गाड़ी पर लगाई हुई है और काफ़ी अच्छा सा जो है इन्होंने लुक दिया हुआ है गाड़ी को, सारी नीचे से जो है वो ड्रॉप करी हुई गाड़ी अच्छी खासी, यानी कि फेंडर वगैरह लगा के इन्होंने साइड पूरी बॉडी किट बनवा के। बाकी पीछे बैक साइड पे देखें तो मैंने बोला चलो यार फायर किट वगैरह लगी हुई, इंजन स्वैप करा हुआ। तो अभी बाकी सारी चीज़ें जो है हम भाई से मालूम करेंगे। तो गाड़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छा सा इन्होंने लुक दिया हुआ है गाड़ी को, जो गाड़ी बनाने वाले लोग हैं वो ज़्यादा समझते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है यार कोई गाड़ी तैयार करने में। दरवाजे वगैरह साइडों से जो है वो गाड़ी के बिल्कुल क्लियर हैं, सीट्स वगैरह जो है वो अपनी कंडीशन में अच्छी कंडीशन में है, दरवाजे वगैरह सारे क्लियर हैं। आगे चलते हैं, आगे से भी देख लेते हैं गाड़ी को। तो फ्रंट से देखूं तो भाई फ्रंट की साइड कंडीशन भी अच्छी है, अच्छी कंडीशन में जो है इन्होंने गाड़ी रखी हुई है। बाकी अभी इसका रूम वगैरह देखेंगे और फिर भाई से मालूम करेंगे भाई इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं। सो बात करें भाई रूम की, तो रूम की कंडीशन भी आप लोगों के सामने है। तो रूम जो है वो नॉर्मल कंडीशन में जो है रखा हुआ, बाकी गाड़ी जो है आप लोगों ने देखी, पूरी गाड़ी मैंने आप लोगों को दिखाई। अभी चलते हैं भाई से मालूम करते हैं कि भाई इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है नासिर भाई, तो नासिर भाई की जो ये गाड़ी है, नासिर भाई ने काफ़ी अच्छी मेहनत करके जो है वो गाड़ी बना के रखी हुई। तो नासिर भाई तकरीबन क्या खर्चा आ गया आपका गाड़ी पर? तकरीबन आ गया 1,20,000-1,25,000। ठीक है, 1,20,000-1,25,000 रुपये जो खर्चा आ गया। बाकी गाड़ी इंजन वाइज कैसी है गाड़ी? इंजन 100% यानी कि ओके है गाड़ी। बाकी सस्पेंशन वगैरह का बताइएगा थोड़ा। सस्पेंशन वगैरह भी ठीक है, सीपीएलसी वगैरह फाइल वगैरह क्लियर है। ठीक है, आप इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं नासिर भाई? इसकी डिमांड 240। ठीक है, 240 जो है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। बाकी थोड़ा बहुत निगोशिएट हो जाएगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएंगे इसमें पैसे, जाहिर सी बात है।
तो अपना नंबर भी शेयर कर देगा नासिर भाई। 0311 ठीक है, 0318 2566 2566 8588 8588। तो ये भाई का नंबर है, आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इस गाड़ी के बारे में और मजीद मालूम ले सकते हो। तो जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो ऐड कर बढ़ चुके हैं। तो भाई ये अभी हम लोग को मिल गई है XLi 2003 का जो है ये मॉडल है, और गाड़ी का जो है वो सौदा हो चुका है। ये गाड़ी मैं सिर्फ इस वजह से ऐड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि भाई गाड़ी कितने तक में जो है वो खरीदो फरोख हो रही है अभी। तो इन एक भाई ने जो है वो गाड़ी लिया, अभी उनका इंटरव्यू लेंगे, पहले मैं आपको गाड़ी की कंडीशन दिखा दूँ, उससे ये कि ज़्यादा अच्छा जो है आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो गाड़ी जो है क्लियर है, पूरी साइड वगैरह से सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हैं। बाकी अब चलते हैं भाई इसके इंटीरियर की तरफ और इंटीरियर भी देख लेते हैं कि इंटीरियर किस कंडीशन में जो है वो मौजूद है गाड़ी का। तो अभी गाड़ी का सौदा हो चुका है, लेकिन भाई अभी चाबी नहीं आई है, तो हम इंटीरियर जो है वो थोड़ा सा ऐसे ही देख सकते हैं। बाकी गाड़ी अंदर से बिल्कुल फ्रेश है, सीट्स वगैरह बिल्कुल सही है, अच्छी कंडीशन में जो है वो गाड़ी बनी हुई है। तो अब चलते हैं भाई से, भाई मालूम करते हैं गाड़ी कितने में ली भाई और कैसे सौदा। अभी मेरे साथ मौजूद है भाई मलिक भाई, तो मलिक भाई ने जो है ये गाड़ी परचेज करी है। तो मलिक भाई आपका सौदा कितने में बना इस गाड़ी का? ये 9.5 मांग रहे थे, करते करते 9,80,000 में। ठीक है, 8,80,000 रुपये में जो है आपका सौदा बना। 2003 का जो है आपने मुझे मॉडल बताया, तो देखें भाई इस तरीके से सौदे बन जाते हैं। अभी जो XLi GLi के काफ़ी ज़्यादा रेट चल रहे हैं, तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए का फ़र्क आया हुआ है हर मॉडल पे आया हुआ। कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशली 2010 या 2009 के मॉडल पे, क्योंकि ज़्यादातर जो लोगों ने बोला था मुझे 2010-2009 के मॉडल पे 2-2 लाख रुपए बढ़े हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। 2003 का मॉडल है, इस पर भी पैसे बढ़े हैं। जेन्युइन गाड़ी है, ओरिजिनल गाड़ी। ठीक है, अभी जो है ये जेन्युइन गाड़ी इन्होंने 8.80 में जो है आपने परचेज करी है। अच्छा, CNG भी लगी हुई है इसमें? CNG लगी हुई है, CNG पेट्रोल वगैरह सारी दोनों चीज़ें जो है ऑन है, AC भी ऑन है। ठीक है, तो ये गाड़ी सिर्फ इस वजह से मैंने ऐड करी कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि भाई गाड़ी कितने तक में परचेज़ हो रही है। तो 8.80 में जो है 2003 का मॉडल भाई ने ख़रीदा। तो और कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो आप लोग भी शेयर करा करो भाई, कमेंट में करा करो। तो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो ऐड कर सकें। शुक्रिया। सो फाइनली दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई। तो काफ़ी सारी हम लोगों ने गाड़ियाँ देखी, जिसमें महंगी गाड़ियाँ भी देखी, पराडो भी देखी, लैंड क्रूजर वगैरह देखी हम लोगों ने, अच्छी बड़ी गाड़ियाँ भी देखी, कुछ क्लासिक गाड़ियाँ भी देखी, पुरानी गाड़ियाँ भी देखी, बाकी महरान वगैरह देखी, FX वगैरह देखी, XLi GLi वगैरह भी देखी। तो काफ़ी अच्छा खासा जो है आज आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मार्केट में भाई क्या रेट चल रहे हैं। तो आज मार्केट लगी थी तो तकरीबन अभी बजे हैं भाई 6, तो अभी यानी कि नॉर्मल रश है, कोई इतना ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन सही है गाड़ियाँ यानी कि आना शुरू हो गई हैं, लोग आए हैं इस दफ़ा भी, क्योंकि जुम्मे को जब मैं आया था तो काफ़ी कम लोग थे और यानी कि जाना शुरू हो गए थे 7 बजे तक, तो ग्राउंड तकरीबन खाली खाली सा हो गया था। लेकिन अभी ये कि माशाल्लाह से गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी खासी आ गई हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी ये कि अगर आप लोगों को कोई गाड़ी चाहिए हो अगर, तो कमेंट करके बता दिया करें कि भाई इस गाड़ी का जो है वो ले लें आप, क्या कहते हैं रिव्यू, तो उसमें ज़्यादा आसानी हो जाती है कि भाई आप लोग इन गाड़ियाँ मैं देख सकता हूँ। तो फाइनली दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।